नमस्कार, सुप्रभात। तेज हरियाणा के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डबवाली में नादेर साहब से पहुंचे 18 श्रद्धालुओं में से 2 की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डबवाली में उपायुक्त धर्मेश चंद्र बेडान के आदेशानुसार गांव डबवाली के बीआर अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम डबवाली वासियों के लिए दे दें, जहाँ पर ये भी अफवाहें फैल रही हैं कि डबवाली पूरे को सील कर दिया गया है, कुछ कॉलोनियों को सील किया गया है। बहरहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम आपको इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको पूरी डिटेल देंगे और बताएंगे कि डबवाली में किस तरीके के आज के हालात हैं। इस महाविद्यालय में नादेर साहब महाराष्ट्र से आए यात्रियों को क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने बताया है कि SDM डबवाली कंटेनमेंट जोन के ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों में व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उपायुक्त बेडान ने बताया है कि महाराष्ट्र नादेर साहब से सिरसा पहुंचे यात्रियों में से 2 यात्री कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक्ट कंटेनमेंट प्लान के तहत सभी चिकित्सा प्रबंधन व टेस्टिंग कार्य को तत्काल प्रभाव से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग, प्रशिक्षण, प्रेक्षण, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैनात कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए स्थानीय नागरिक हॉस्पिटल सिरसा के कोविड केयर में एडमिट किया गया है। इसके अलावा नए यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें एहतियात के तौर पर कंटेनमेंट जोन में रखा गया है, जहाँ पर मेडिकल टीम की तैनाती के बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सभी को दिन में 2 बार स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। इसके साथ ही CMO यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कंट्रोल रूम में आपातकाल स्थिति में जरूरत के अनुसार स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाए। साथ ही महाविद्यालय प्रांगण में एम्बुलेंस व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यकारी अधिकारी डबवाली नगर परिषद कंटेनमेंट जोन में प्रतिदिन साफ सफाई व सैनिटाइजेशन की सुनिश्चित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि सैनिटाइजेशन करने वाले कर्मियों को फेस मास्क, दस्ताने, टोपी, जूते, सैनिटाइजर व अन्य सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाएंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जरूरत के अनुसार कंट्रोल रूम में CDPO सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया है कि सिविल अस्पताल डबवाली के SMO की देखरेख में सदर पुलिस स्टेशन डबवाली में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा सची मार्केट कमेटी डबवाली में महाविद्यालय के प्रिंसिपल कंटेनमेंट जोन में प्रतिदिन भोजन व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग से तालमेल करके सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर हर हाल में सुविधाएं मिलती रहें। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नायब तहसीलदार डबवाली को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। सचिव नगर परिषद डबवाली व SFO AAFSO डबवाली द्वारा यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं द्वारा पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। इसके साथ ही पेयजल व बिजली की सप्लाई के लिए अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग व अधीक्षक अभियंता बिजली निगम की जिम्मेवारी रहेगी। तो डबवाली में हमने आपको पूरी स्थिति बताई कि किस तरीके से गांव डबवाली के BR अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया है। और फिलहाल इस तरीके की कोई भी अफवाह अगर फैली हुई है या फैलाई जा रही है, तो वो पूर्ण तौर पर फेक है कि डबवाली को सील कर दिया गया। बहरहाल डबवाली में सब कुछ सुरक्षित और एहतियात के तौर पर लोगों को जागरूक किया गया है, और ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अच्छी बात डबवाली की राहत की ये है कि सीधे नादेर साहब से पहुंचे लोगों को कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया, यानी कि क्वारंटाइन महाविद्यालय में ही ले जाया गया था, जहां से उनकी सैंपलिंग हुई थी और उनके सैंपल भेजे गए थे। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर दें, Facebook पर फॉलो कर लें, ताकि हर खबर हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।